हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दो तरफ का बेसन बर्फी। सो आइए और देखिए। बर्फी बनाने के लिए चाहिए घी, शुगर, रिफाइन और बेसन। पहले मैं इधर एक कप बेसन लेकर छान लूंगी। इसे अच्छी तरह छानना चाहिए। इधर मैं 3/4 कप रिफाइन लूंगी और इसके साथ 1/2 कप घी मिक्स कर लूंगी और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स करके पकाने के लिए गैस में रख दूंगी। अब इधर एक पैन में 1/2 कप शुगर के साथ 3/4 कप वाटर मिलाकर इसे चाशनी बना लूंगी। बेसन को थोड़ा घी डालकर अच्छी मुट्ठी बना देना चाहिए। फिर इसे फिर से एक बार छानना पड़ेगा, यानी कि बेसन को दो टाइम छानना है। अब इधर एक पैन में चाशनी बना लूंगी, यानी तो आप लोग सभी जानते हैं चाशनी कैसे बनाते हैं। ये नहीं हुआ, इसे थोड़ा देर और भी पकाना पड़ेगा। लेयर बन गया, यानी कि चाशनी भी बन चुकी है। अब मैं इधर थोड़ा थोड़ा बेसन भी डाल दूंगी और अच्छी तरह से घुमा घुमा कर ये पका लूंगी। तेल भी गरम हो चुकी, सो थोड़ा थोड़ा करके इधर तेल भी दे दूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। इधर मैं दो लेयर का बर्फी बनाया, सो नीचे एक कलर दे दिया और ऊपर में एक कलर दे दिया। इधर बर्फी लगभग बन चुकी है और थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसे काट लूंगी। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। ये पूरा मिठाई में चॉकलेट जैसा मिठास आते हैं, सो बच्चे लोग ने ये ज्यादा पसंद करते हैं।